नॉकआउट स्टेज के ये तीनों मैचेस जो खेले जाएंगे, इसमें से जो तीन टीम्स क्वालिफाई करेंगी नॉकआउट स्टेज टू के लिए, तो नॉकआउट स्टेज टू पे उन दो टीमों के बीच में मैच खेला जाएगा जिनका थ्रू आउट सबसे लोएस्ट रन रेट है उन तीनों टीमों के बीच में से। मतलब जिस टीम का सबसे हाईएस्ट रन रेट रहेगा उन तीन टीमों में से जो नॉकआउट स्टेज वन से क्वालिफाई करती हैं, वो ऑटोमेटिकली नॉकआउट स्टेज टू के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बाकी बची हुई दो टीमें आपस में खेलकर जीतकर नॉकआउट स्टेज टू के लिए क्वालिफाई करेंगी। नॉकआउट स्टेज वन का ये पहला मैच का पहला गेंद मंदार को बीट किया बॉलर ने, नितेश एक अच्छे गेंदबाज, पहली गेंद मंदार को बीट किया। अगली गेंद लेकर चलेंगे मंदार के लिए पवेलियन एंड से, नितेश की ये गेंद, मंदार ने गेंद को खेल दिया है ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करते बॉल को, दोनों बैट्समैन ने दौड़कर एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ मर्ग का खाता खुला और मर्ग का बढ़ता हुआ स्कोर एक रन बिना किसी नुकसान के दो गेंदों के पश्चात। नितेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, अंपायर को क्रॉस किया नितेश की ये गेंद कुणाल के लिए, कुणाल ने गेंद को उठा दिया है। फील्डर गेंद के नीचे देखना है कैच होता है या नहीं, फील्डर जज नहीं कर पाए, गेंद छूटी उनसे। तब तक बैट्समैन ने भागकर दो रन पूरा किया। इस दो रन के साथ मर्क लाइफ साइंस का बढ़ता हुआ स्कोर तीन रन बिना किसी नुकसान के दो गेंदों की समाप्ति के बाद, तीन गेंदों की समाप्ति के बाद। नितेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे कुणाल के लिए, कुणाल तैयार, नितेश की ये गेंद, फुल टॉस बनाया था पर कनेक्ट नहीं कर पाए सही से, गेंद गई फाइन थर्ड मैन की दिशा में। फील्डर ने फील्ड किया गेंद को, तब तक बैट्समैन ने दौड़कर एक रन पूरा किया। एमसीसीएल थर्ड एडिशन का ये दूसरा दिन, दूसरे दिन का नॉकआउट स्टेज का ये पहला मैच, बेहतरीन फील्ड मानकोली स्टेडियम के प्रांगण में खेला जाता हुआ यह मैच। नितेश की अगली गेंद मंदार के लिए, गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला है, गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। मंदार के बल्ले से निकलता हुआ मर्क लाइफ साइंस के लिए पहला चौका। मंदार जैसा कि आप उनको लीग स्टेज से देखते हुए चले आ रहे हैं एक धुआंधार बल्लेबाज, मर्क टीम के लिए नितेश का सामना करेंगे। नितेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मंदार के लिए, नितेश की गेंद, मंदार ने घूमकर गेंद को लेग साइड में खेला है सीधा सीमा रेखा के बाहर, गोली की गति से तेज सीमा रेखा को पार करती हुई चार रनों के लिए। मर्क के लिए ये दूसरा चौका, इस चौके के साथ मर्क का बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड। भाई सलमान आना भाई, बॉलर्स नेम स्पार लाइफ, अजीत स्पार लाइफ के लिए दूसरा ओवर लेकर चलेंगे पवेलियन एंड से, सामना करेंगे कुणाल। अजीत के ओवर की ये पहली गेंद होगी, अजीत धीरे धीरे अपने रनअप की तरफ बढ़ते हुए, कुणाल अपने स्टांस पर जाते हुए, कुणाल तैयार, अजीत तैयार, अगली गेंद दूसरे ओवर की पहली गेंद अजीत की, अजीत की ये गेंद कुणाल के लिए, कुणाल ने गेंद को घुमाकर मारने की कोशिश की, बीट हुए अपील और ये विकेट कीपर के दस्तानों में कैच आउट। कुणाल कीपर का नाम क्या है स्पार लाइफ, नितेश,
विकेटकीपर नितेश ने कुणाल का एक आसान सा कैच लपका और उनको पवेलियन के लिए चलता किया। कुणाल के इस विकेट के पतन के साथ मर का स्कोर 12 रन एक विकेट के नुकसान पर 1.1 ओवर्स के बाद कुणाल का स्थान लेने जाते हुए महेश मर की तरफ से अगले बल्लेबाज कुणाल का स्थान लेंगे। सामना करेंगे अजीत की गेंदों का। अजीत जिन्होंने पहली ही गेंद पर कुणाल को चलता किया, एक बेहतरीन गेंदबाज, एक सटीक लाइन और लेंथ, काफी सूझबूझ से गेंदबाजी करते हुए अजीत अगली गेंद लेकर चलेंगे महेश के लिए। महेश अपने स्टांस पर तैयार, अजीत हल्के हल्के कदमों से महेश की तरफ बढ़ते हुए अजीत की ये गेंद महेश को, महेश ने शफल करके गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है। जब तक फील्डर फील्ड करते थोड़ा सा फंबल हुए फील्डर, जिसकी वजह से बल्लेबाजों ने दौड़कर दो रन पूरा किया और इन दो रनों के साथ मर का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन एक विकेट के नुकसान पर 1.2 ओवर्स के बाद। अजीत की अगली गेंद महेश के लिए, महेश तैयार, गेंद को उठाकर खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ मर का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। मर जिसे बल्लेबाजी के लिए कॉर्पोरेट जगत में काफी समय से जाना जाता है, उसके दोनों आक्रामक बल्लेबाज मंदार और महेश पिच पर सामना कर रहे हैं। अजीत की ये गेंद महेश के लिए, एक बेहतरीन गेंद, अजीत की अगली गेंद महेश के लिए, महेश ने फिर से घूम कर गेंद को खेला है फाइन लेग की दिशा में और अंपायर का इशारा 6 रनों का। महेश काफी आक्रामक तेवर दिखाते हुए, पवन बोट के जहां कहीं भी हैं मैदान में कृपया कमिटी बॉक्स में आ जाएं। पवन बोट के पवन बोट के जहां कहीं भी हैं कमिटी बॉक्स में आने का कष्ट करें। पवन बोट के अजीत की अगली गेंद महेश के लिए, महेश तैयार, अजीत की ये गेंद फिर से उठा दिया है लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, देखना है कैच होगा और आसानी से ये कैच लपका और महेश को चलता किया। अजीत की चालाकी भरी गेंदबाजी, फंसाया था महेश को, मिड विकेट के क्षेत्र में मारना चाहते थे, कनेक्ट नहीं हुई, आई लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर ने कैच किया, मयूर फील्डर थे और महेश को चलता किया। एक आक्रामक बल्लेबाजी का मुजाहरा करने के बाद महेश हल्के हल्के कदमों से पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए, काफी निराश होंगे जिस तरह का शॉट खेला था। महेश का स्थान लेने के लिए जाते हुए निमेश, फिलहाल मर का बढ़ता हुआ स्कोर 2 ओवर्स के पश्चात 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जब तक मर के बल्लेबाज मंदार मैदान पर मौजूद हैं, मर की सारी उम्मीदें बधी हुई मंदार से, मंदार का साथ देने के लिए गए हैं निमेश। अगली बॉल तीसरे ओवर की पहली बॉल कुलदीप लेकर आएंगे, सामना करेंगे मर के धुआंधार बल्लेबाज मंदार। कुलदीप अपने ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे, तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे मंदार के लिए। कप्तान कुछ समझाते हुए कुलदीप को, मंदार के लिए कुछ स्पेशल टिप्स दिया है कुलदीप को, देखते हैं कुलदीप कौन सा अस्त्र
डालते हैं मंदार के लिए कुलदीप की ये पहली गेंद। कुलदीप की गेंद, मंदार ने गेंद को मारने की कोशिश की थी मिड विकेट की दिशा में, गेंद उनको बीट करते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल। कुलदीप अपने मार्कअप पे वापस आते हुए अगली गेंद, रनअप से तैयार मंदार तैयार, कुलदीप की ये गेंद, मंदार ने गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है, गेंद बहुत तेजी से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए। इन चार रनों के साथ मर्ग का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन दो विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर के बाद। क्या मालूम भाई, वो तो उसका खाना लाने का स्कोरर का। सलमान कॉल करना, सलमान दोनों गए होंगे एक साथ पक्का, कौन मानेगा नहीं लेके गया होगा। कुलदीप अपनी अगली गेंद लेकर चले मंदार के लिए, मंदार तैयार, कुलदीप की ये गेंद, मंदार ने उठाकर गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, देखना है कैच होता है या 6 रन, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, अंपायर का इशारा और इस तरह से ये मंदार का बेहतरीन छक्का मर्ग के लिए, और इस सिक्स के साथ मर्ग का बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन दो विकेट के नुकसान पर। काफी बॉल बॉय से एक रिक्वेस्ट है, कृपया गेंद पर ध्यान दें, मंदार बहुत आक्रामक तेवर में दिख रहे हैं, दो बॉल अभी तक हो चुके हैं, बॉल बॉयज कृपया बॉल पे ध्यान दीजिए। कुलदीप अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे मंदार के लिए, मंदार तैयार, कुलदीप की ये गेंद, मंदार को, मंदार ने गेंद को मारने की कोशिश की थी फिर से वही आक्रामक अंदाज, लेकिन गेंद एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल। कुलदीप एक चालाक गेंदबाज है, एक बॉल छक्का खाने के बाद गेंद के पेस और बाउंस को वेरिएट किया, अगली गेंद लेकर चले मंदार के लिए, मंदार ने फिर से गेंद को मारने की कोशिश की और सेम लाइन से गेंद को बीट कराया मंदार को, एक जोरदार अपील की थी फील्डर्स ने, लेकिन अंपायर ने अपील को सिरे से खारिज करते हुए मंदार पिच पर सुरक्षित। अगली गेंद, कुलदीप तैयार, मंदार अपने स्टांस पर जाते हुए, कुलदीप की यह गेंद मंदार के लिए, मंदार ने गेंद को घुमाने का प्रयास किया था मिड विकेट के क्षेत्र में, आउटर एज लेकर गेंद निकली विकेट कीपर के सर के ऊपर से पॉइंट थर्ड मैन की तरफ चार रनों के लिए, एक चिकी शॉट और इस शॉट के साथ मर्ग का बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन दो विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और ये जैसा कि बताया गया है नॉकआउट स्टेज के सारे मैचेस 4 ओवर के होंगे, मर्ग के लिए ये आखिरी ओवर देखते हैं, चौथा ओवर स्पार लाइफ की तरफ से लेकर कौन आता है। कॉग्नी आर्मी और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के कैप्टन से अनुरोध है कि कृपया वे कमिटी बॉक्स में आकर के अगले मैच के लिए टॉस करा लें, समय की बाध्यता होने की वजह से। स्कोर है 40 रन दो विकेट के नुकसान पर। समय की बाध्यता होने की वजह से हमें जरा तीव्र गति से इन सब मैचेस को कराना पड़ेगा, अतः प्रॉक्टर एंड गैम्बल और कॉग्नी आर्मी के कैप्टन से अनुरोध है कि कृपया वो आकर के कमिटी बॉक्स में अगले मैच के लिए टॉस करा लें। मयूर लेकर आए हैं स्पार लाइफ के लिए चौथा ओवर। मयूर एक घातक गेंदबाज, लंबा रन अप लगभग 22 कदम का सामना करेंगे। निमेश मयूर चले अपनी गेंद लेकर निमेश के लिए, निमेश ने गेंद को घुमाकर मारा है लेग साइड की दिशा में, फील्डर के ऊपर से गेंद तिपकाकर निकलती हुई चार रनों के लिए, पहले ओवर की चौथे ओवर की पहली गेंद पर यह पहला चौका, सीधा प्रेशर बैक टू बॉलर निमेश तैयार, तब तक बॉल भी वापस आ चुकी है। इन चार रनों के साथ मर्ग का बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन दो विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इन प्रोग्रेस, मैच 5 गेंदें शेष मर्ग के इनिंग्स की।
मयूर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे निमिष के लिए। निमिष तैयार, मयूर हल्के हल्के कदमों से निमिष की तरफ बढ़ते हुए, मयूर की ये गेंद, निमिष ने गेंद को छोड़ दिया है और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। जरा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के चक्कर में मयूर ने गेंद के दिशा को खोया और गेंद एक अतिरिक्त गेंद के रूप में परिवर्तित हुई। इस एक रन के साथ मर्क का बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन्स फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, ओनली 5 मोर बॉल्स लेफ्ट। मयूर मूविंग, मयूर इज ट्राइंग टू सेट द फील्ड अगेन। There is some confusion in the field. Nimish again on his strike. Mayur moving towards Nimish. Mayur's ball. Nimish has hit it over the leg stump in the fine third man area for 4 runs. With these 4 runs, Merck has moved to 49 for the loss of 2 wickets. Fourth over in progress. This is the last over for Merck. 4 balls remaining. They are trying to make a big score. Let's see what they are going to achieve in the last 4 balls. Mayur again setting the field. Mayur, his next ball to Nimish. Mayur's ball, Nimish has tried to hit it again over the mid wicket, long sis outside the stadium for a big 6. You can see Nimish in a good form. He has hit the ball outside the stadium. Ball boys are chasing the ball. No role of fielders. With this big 6, Merck has moved to a score of 55 runs for the loss of 2 wickets. Last 3 balls remaining for Merck. Let's see what is the target that they are going to set for Spar Life. The knockout stage, first match of MCCL 3rd edition, second day. Mayur, next ball to Nimish. Nimish ready, and again Mayur has done some, Mayur has put some extra effort, due to which it has converted into a overstepping. No, I believe umpire has signaled a no ball. There is some mistake in placing the field, due to which umpire has declared it a no ball. Let's see what is the final. Mayur moving to his run up for the next ball. Mayur slowly moving towards Nimish. Nimish ready for Mayur. Mayur's ball. Nimish has tried to throw it over the mid wicket, but he finds a fielder for the ball, and till the time fielder sends the ball, batsman ran and took 1 run. With this 1 run, Merck's score moved to 57 runs for the loss of 2 wickets. Last 2 balls remaining for Merck. Mandar on a strike. Mayur's ball. Mandar try to hit the ball over the long on for a big 6. It's outside the boundary for a 6. With this 6,
Bucks score has moved to 63 runs for the loss of 2 wickets at the end of 3.5 overs. Last ball of Bucks inning. Let's see what is the final target that Mandar and team is going to place for Spar Life. Last ball of the first inning of knockout stage 1, Mayu to Mandar. Mandar again has hit the ball over the boundary for 6 runs. Ball is outside the stadium, and with this 6 run, they have set a target of 70 runs to chase for Spar Life. Please, this over, the last over, gave a total of 29 runs to Merck. It was quite precious over from Mayur. We request Merck team to kindly place their field at the soonest possible, and Spar Life to send in their opener batsman. Please, Merck team, place your fielders, and Spar Life, send in your opening batsman. Cogni Army captain and TNG captain are requested to come to committee box for toss. TNG captain and Cogni Army captain. Cogni Army captain and TNG captain are requested to come into the committee box for toss. Thank you. मर्क लाइफ साइंसेस ने 4 ओवर में 69 रन्स मारे हैं और 70 का टारगेट दिया है स्पार लाइफ साइंसेस को, और उनके 2 बल्लेबाज मैदान पर आते हुए आई रिक्वेस्ट मर्क टीम टू प्लेस देयर फील्ड एज सून एज पॉसिबल एज वी हैव टू कंप्लीट दिस मैच एट अर्लीस्ट. बहुत अच्छी बल्लेबाजी, यहाँ पे बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मंदार अक्रॉस द टूर्नामेंट उन्होंने अपना फॉर्म मेंटेन किया है. मार्क लाइफ साइंसेस एक बेहतरीन कॉर्पोरेट टीम है, इसके पहले भी हमने देखा है कई अनेक टूर्नामेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, कई ट्रॉफीज जीतते हैं, रनर अप्स, विनर्स अलग अलग जगह पे. गेंदबाजी करने के लिए सीनियर प्लेयर वैभव सावंत. काफी साल का अनुभव लेके मैदान में उतरते हुए वैभव सावंत स्ट्राइक पे है. प्रमोद
वैभव सावंत तैयार गेंदबाजी करने के लिए, बेहतरीन गेंदबाज। पहली गेंद थोड़ी स्लोअर कटर डिलीवरी डाली थी, बीट कर दिया कंप्लीटली बल्लेबाज को। प्रमोद बल्लेबाजी करते हुए, वैभव काफ़ी अनुभवी गेंदबाज है, कई सालों का अनुभव उनके पीछे। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, ऑलराउंडर है अपने टीम के। अपने टीम के लिए उनका जो अनुभव है वो अनुभव भी काफ़ी बढ़िया है। और ये शॉर्ट बॉल थी, उसको खेला लेग साइड की दिशा में, गेंद जाती है चार रनों के लिए। देखते कितना पे चार रनों का इशारा, दूसरी गेंद के ऊपर शॉर्ट बॉल थी, उसको लेग साइड में मारा है, चार रन हासिल किए हैं यहाँ पे। प्रमोद के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, टीम का स्कोर, टीम का खाता जो है चार रनों से खुलता हुआ। 18 के रिक्वायर्ड रन रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी करने की जरूरत है। मर्ग के पास अच्छी गेंदबाजी अटैक है, अगली गेंद लेके तैयार। और ये फिर एक बार अच्छा शॉट है लेग साइड की दिशा में, गेंद जाती हुई चार रनों के लिए। लगातार दो गेंदों में दो चौके यहाँ पे। पहला जो गेंद डाली थी वो गेंद शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंद थी, अगली गेंद डाली थी वो थोड़ी कहना होगा लेंथ बॉल थी, हाफ वॉली थी, उसका बहुत बढ़िया उपयोग वहां पे करते हुए प्रमोद अच्छा स्ट्रोक मारा, चार रन हासिल किए। लगातार दो गेंदों पे दो बाउंड्रीज हासिल किए। इसी तरीके से हर गेंद के ऊपर उनको ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा विशाल टारगेट, चार ओवर में 70 रन का टारगेट कम नहीं होता। वो टारगेट हासिल करने के लिए इसी प्रकार की बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है। 8 रन टीम का स्कोर होता हुआ, अगली गेंद लेके वैभव तैयार। यॉर्कर लेंथ गेंद थी, सटीक यॉर्कर मारा, एक रन प्राप्त करेंगे चार गेंदों में 9 रन होते हुए। जैसे मैंने कहा था वैभव काफ़ी यहाँ पे मैच बॉल ग्राउंड में आते हुए, अंपायर बॉल कलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने कहा था वैभव के पास काफी साल का अनुभव, कमबैक करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार बेहतरीन गेंद डाली थी, प्लेस करके एक रन हासिल किया, टीम का स्कोर होता हुआ 10 रन। यहां पे आखिरी गेंद वैभव द्वारा, 10 रन दिए अभी तक 5 गेंदों में। इस बॉल के ऊपर बाउंड्री हासिल करना बहुत ही जरूरी, और 6 रन। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक मारा है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर के पार 6 रनों के लिए। जैसा मैंने कहा था बाउंड्री हासिल करना काफ़ी ज़रूरी था। 18 का रिक्वायर्ड रन रेट है, और पहली ओवर में जो स्पार लाइफ साइंसेस ने रन बनाए हैं वो है 16। एक रन एक ओवर, उनको और बड़ा ओवर की ज़रूरत होगी, 20 से 25 रनों के ओवर की एक उनको ज़रूरत है ये स्कोर को अगर चेस करना होगा तो, क्योंकि आखिरी ओवर में भी अगर 16 से 18 या 20 रन रहते हैं तो काफ़ी दिक्कत आ जाएगी चेस करने के लिए। पहले ही ओवर से अगर अगले सेकंड और थर्ड ओवर में एक ओवर अगर 20 से 25 रन का मिलता है तो चेस बहुत ही आसान हो जाएगा। अब भी रिक्वायर्ड रन रेट 18 का है और करंट रन रेट 16 का है, देखते अगली ओवर लेके कौन आते हैं। बॉलर महेश अगली ओवर लेके, स्ट्राइक पे है
नितेश, महेश येवले गेंदबाजी करेंगे। और बढ़िया गेंद थी, जो कहना होगा एक परफेक्ट डिलीवरी, ऑफ साइड में टप्पा करके हल्की सी स्विंग देखने को मिली इस बॉल के अंदर, बीट कर दिया कंप्लीटली बल्लेबाज को। बल्लेबाज सर्टन नहीं थे इसको खेलो या छोड़ो, परफेक्ट टेस्ट मैच की डिलीवरी कह सकते हो इसको। फिर एक बार अगली गेंद शॉर्ट बॉल, इसको ऑफ साइड की दिशा में बाहर मारने की कोशिश की और यहां पे अंपायर का हाथ फैलाते हुए वाइट का इशारा, रीच करने की कोशिश की थी यहां पे लेकिन पहुंच नहीं पाए। बढ़िया अंपायरिंग देखने को मिल रही है अक्रॉस द डे। फिर एक बार शॉर्ट बॉल था उसको खेला है ऑफ साइड में, कट किया है एक रन भाग के पूरा और मिसफील्ड। यहां पे मिसफील्ड के चलते एक और रन मिलेगा, दो रन पे यहां पे संतुष्ट रहना होगा, लकी कहना होगा वहां के फील्डर को, क्योंकि मिसफील्ड होने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन पे नहीं गई, एक अतिरिक्त रन पर मिलता हुआ टीम को। और यहां पे आउट, एज इनसाइड एज लेके विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई, विकेट प्राप्त किया यहां पे महेश ने। मंदार आज पूरा दिन मंदार छाए हुए है, हर तरफ मंदार है, विकेट कीपिंग में मंदार है, बल्लेबाजी में मंदार है। ओवर की अगली गेंद लेके महेश, बहुत सुंदर शॉट खेला है, देखते कैच होती है कि नहीं। और ये 6 रन, थोड़ा मिसजज कर दिया वहां के फील्डर ने गेंद को, पहले आगे चले गए, मुझे लगता है बाउंड्री लाइन के ऊपर चिपक के खड़े रहते तो सीधा हाथ में गेंद चली जाती है उनके, लेकिन थोड़ा आगे जाने की वजह से मिसजज कर गए वहां पे। तुरंत ही फील्डिंग में बदलाव, अभी 2 गेंदों का खेल बाकी, इस ओवर में 25 रन अब तक हो चुके हैं। अगले 2 गेंदों में 2 बाउंड्रीज अगर मिलती है तो रन रेट बराबर हो सकता है। और ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां पे बैट्समैन को पूरा पूरा अंदाजा है व्हाइट के लाइन का, इसलिए उन्होंने वहीं पे झुक के गेंद को छोड़ दिया, ज्यादा शफल नहीं किया, क्योंकि शफल करने पर वो व्हाइट लाइन मूवमेंट का भी रूल प्ले में आ जाता है। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी, रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 18.86 का। ये 2 बॉल में बाउंड्रीज की जरूरत, फिर एक बार बेहतरीन गेंद यहाँ पे, लक के गेंद थी थोड़ी अंदर की। मुझे लगता है जो स्ट्रैटेजी है मर्क टीम की, वो डिस्कशन हुआ है उनका कि ऑफ साइड में वाइड लाइन के पास से गेंद डाले, उसी में अगर एक आध वाइड चला जाता है तो भी ठीक है, लेकिन ऑफ साइड की लाइन ना छोड़े। और ये बेहतरीन शॉट है, 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही कैच हो सकता है ये, लेकिन वहां पे कोई प्लेयर मौजूद नहीं। 2 रन भाग के पूरे करेंगे, 2 रनों के साथ संतुष्ट रहना होगा। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। अभी करंट रन रेट है 14 का और रिक्वायर्ड रन रेट है 21 का। अभी आने वाला ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर होगा, देखते हैं किस प्रकार से। बारह गेंदों में
42 रनों की जरूरत है। ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है, ये निर्णायक ओवर हो सकता है। अगर इस ओवर में अधिक से अधिक रन, मिनिमम 25-28 रन अगर जमा लेते हैं इस ओवर में, तो ये मैच बन सकता है स्टार लाइफ साइंसेस के लिए, क्योंकि इसके बाद आखिरी ओवर में अगर 30 के ऊपर रन रहेंगे तो ज़्यादा स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इनफैक्ट 25 प्लस भी स्कोर होगा तो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है। ये ओवर के अंदर कम से कम 25-28 रन की ज़रूरत है, तो जाके आखिरी ओवर में मैच बन सकता है। गेंदबाजी करेंगे कुणाल, स्ट्राइक पे है प्रमोद। और ये स्लोअर बॉल था, उसको खेला है सीधा 6 रनों के लिए। बहुत अच्छा पिक किया बॉल को, स्लोअर डिलीवरी को अच्छा पिक किया, फ्रंट फुट पे आके उसको 6 रनों के लिए डिपॉजिट कर दिया। और मुझे लगता है अगर कोई ये रन चेस कर सकता है, कोई ये रन चेस में अपने टीम को सफलता दिला सकता है, तो ये है प्रमोद। प्रमोद ये कैसे बल्लेबाज है जो 2006 गेंदों में 21 रन पे खेल रहे हैं, 11 गेंदों में 36 रन करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो पूरा मैच को ले जाते हैं तो। और ये बहुत कहना होगा साधारण सा बॉल हो सकता था, बड़े चतुराई से थोड़ा शॉर्टर लेंथ स्लोअर बॉल डाला था, उसको लेग साइड में डिपॉजिट कर सकते थे 6 रनों के लिए, लेकिन मिस कर गए। बहुत स्लोअर बॉल था, इंतजार करते करते थक गए, लेकिन गेंद ट्रैवल नहीं की। अगली गेंद, फिर एक बार जोर से शॉट खेलने की कोशिश, और यहां पर विकेट, स्लोअर डिलीवरी के ऊपर उन्होंने विकेट हासिल की है प्रमोद को। ये है रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर जो आप देख रहे हैं कि प्रमोद जैसा समझदार बल्लेबाज भी हर बॉल को स्लॉग करने की कोशिश कर रहा है। ये है स्ट्राइक रेट का प्रेशर, जो रन रेट रिक्वायर्ड है उसका प्रेशर। और ये प्रेशर के लिए सराहना करनी होगी मर्क लाइफ साइंसेस के बैट्समैन का, खास करके मंदार का, जिन्होंने अपने बॉलर्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन दिया है कि वो अपने फ्रीडम के साथ गेंदबाजी कर सके और सारा का सारा प्रेशर जो है वो बल्लेबाजों पर हो स्पार लाइफ के। 34 स्कोर हुआ है, 34 नौ गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। मैं कहूंगा ये असंभव सा मुश्किल टारगेट है, लेकिन असंभव सा टारगेट नहीं है। हमने आईपीएल में पिछले कुछ वक्त में देखा है कि कोई भी टारगेट असंभव और इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है। 5 गेंदों में 5 छक्के भी मार चुके हैं बल्लेबाज, तो मुझे लगता है 9 गेंदों में 36 रन भी इतना मुश्किल टारगेट नहीं होना चाहिए। अगले 3-4 गेंदों में 3 सिक्स की जरूरत है। और फिर एक बार यहां पे विकेट नंबर 2, 2 गेंदों में 2 विकेट, स्लोअर डिलीवरी, पहले ही कमिट कर दिया था शॉट को गेंद आने से पहले अपर एज लेके विकेट कीपर के दस्तानों में। जैसे मैंने कहा रन रेट का प्रेशर, रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर, मर्क को पता है कि हर गेंद पे बल्लेबाज शॉट मारने वाला है, हर गेंद पे ताकत निकाल के गेंद को चीरने की कोशिश करने वाला है। उसका फायदा उठाते हुए स्लोअर बॉलर्स को यहाँ पे लाके ट्राई करते हुए, मुझे कहना होगा यहाँ पे वैभव सावंत का जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने जोगिंदर शर्मा को ओवर दी थी, उसी प्रकार यहाँ पे कुछ प्रयोग किया और स्लोअर बॉलर के हाथ में गेंद दी, ताकि पूरा का पूरा टाइमिंग यहाँ पे बल्लेबाज को निकालना पड़े और बॉलर की तरफ से कोई भी यहाँ पे पेस ना रहे गेंद के ऊपर। 34 runs, loss of 3 wickets, 8 गेंदों में 36 run, अगले 2 बॉल में 2 boundaries required, compulsory, 2 boundaries compulsory, no compromise, compulsory। ये हैट्रिक बॉल, हैट्रिक बॉल, लेकिन 2 गेंदों पे 2 बाउंड्रीज आना जरूरी। और यहां पे देखते हैं 4 रन हो सकते हैं, और ये 4 रन हैट्रिक बॉल पे 4 रन, वेट किया पूरा टाइम, वेट किया, इंतजार किया, और इंतजार के साथ में ये चौका मारा, पेशेंस दिखाया। इसी के साथ एक सीख भी देते हुए यहां पे कि जिंदगी में पेशेंस का कितना महत्व है। और फिर एक बार यहाँ पे
इंतजार किया यहां पे और वापस से उसी दिशा में चार रन। दो बाउंड्रीज तो आ गए अभी भी देखना होगा। छह गेंदों में 28 रनों की जरूरत। पांच सिक्स कौन बनेगा आज का रिंकू सिंह? पवन बॉटल बटाने नहीं कर पाने जैसा मैंने कहा था कि ये निर्णायक ओवर था। अगर इस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन हो पाते जो दो विकेट्स गई है, हमने देखा भी आखिरी दो गेंदों पे किस प्रकार यहाँ पे अजित ने वेट करके पूरा जो स्लोनेस है बॉलर का उसको इस्तेमाल करके चार रन मारे हैं। आखिरी ओवर पांच छक्कों की जरूरत। अभी है अजित स्ट्राइक पे। आखिरी ओवर लेके सुरेश तैयार और बेहतरीन गेंद यॉर्कर लाइन की तेज गति से गेंद यहां पे करते हुए यहां पे उनके जो सहकारी है वो कह रहे हैं कि वो उनके टीम के जसप्रीत बुमराह है। उनकी तरह उनका एक्शन है जसप्रीत बुमराह की तरह और वैसे ही यॉर्कर उन्होंने मारी है। जसप्रीत बुमराह की तरह यॉर्कर मारी है और ये फिर एक बार बहुत तेज गेंद थी। स्पीडोमीटर का काटा यहां पे 160 बताता हुआ। जिस तरीके से यहां पे कहना होगा अभी इस टीम का स्कोर अभी चार गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। नामुमकिन सा यहां पे लक्ष्य। फिर एक बार तैयार गेंद जाती हुई लेग साइड की दिशा में एक रन भाग के पूरा किया। भारतीय टीम के जो गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह इंजरी से जूझते हुए कुछ इसी तरह की उनकी एक्शन थी तो मुझे लगता है सुरेश को भी सतर्क रहना होगा। तीन गेंदों में 26 रन, क्या ये हो पाएगा? असंभव सा लक्ष्य। और ये खेला है कवर्स के क्षेत्र में गेंद जाते हुए एक रन भाग के पूरा दूसरे रन की कोशिश। नामुमकिन सा लक्ष्य बनता हुआ लगभग यहां पे मैच जीत चुकी है मार्क लाइफ साइंसेस। दो गेंदों में 24 रन हासिल करने के लिए दो नो बॉल पे छक्के मारने होंगे। और यहाँ पे गेंद की और प्लेयर की रेस लगी थी कि कौन पहले टप्पा खाएगा। बेहतरीन गेंदबाज यहां पे सुरेश द्वारा अपने टीम को आगे लेके जाते हुए। आखिरी गेंद और फिर एक बार इसी के साथ मर्क लाइफ साइंसेस ये मैच जीतते हुए और आगे क्वालिफाई करते हुए। कांग्रेचुलेशन टू द मर्क टीम फॉर योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। कांग्रेचुलेशन मंदार वैभव एंड सुरेश फॉर योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस इन द फील्ड इन बॉलिंग बैटिंग एंड फील्डिंग। बहुत बेहतरीन यहां पे
प्रदर्शन करते हुए मर्क एंड वेरी हार्ड लक स्पार लाइफ साइंसेस, बहुत बढ़िया आपने प्रदर्शन किया नॉकआउट स्टेजेस तक आने के लिए. थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट एंड शोइंग योर स्किल्स टू अस. अगला नॉकआउट मैच है कॉग्नी आर्मी वर्सेस पीएनजी.